हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी एक कंज्यूमर इकोनॉमी है और यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है, लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट फेस कर रहा है। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हमारे कंट्री में बहुत कम मार्केटिंग रिसर्च होती है और मार्केटिंग रिसर्च फैसिलिटीज़ की भी कमी है, तो जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट में लगातार प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी कंट्री में ज़रूरत है हाई लेवल ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ की, ताकि मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। इंडिया में काफ़ी कम अटेंशन दी जाती है प्रोडक्ट प्लानिंग को। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे तो इससे काफ़ी उनका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ ट्रेन मार्केटिंग पर्सनल। हमारे कंट्री में शॉर्टेज है एक्सपर्ट्स की, पर्सनल की, मार्केटिंग रिसर्चर्स की, जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है और मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फास्ट मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न मार्केटिंग में और ज़्यादा मार्केटिंग मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसे इफ़ेक्टिव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना चाहिए, ताकि मार्केटिंग रिसर्चर्स और ज़्यादा डेवलप हो सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अब जो अनदर प्रॉब्लम है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, कि कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च के एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग के एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो इनके एक्सपेंसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने से मार्केटिंग मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर इसे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अब मेजोरिटी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एफ़र्ट्स नहीं करते न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स के लिए, न्यू मार्केटिंग इनोवेशंस के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इनोवेटिव टेक्निक्स पर रिसर्च करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका टाइम, कॉस्ट और एनर्जी, सब कुछ बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्टिल प्रॉब्लम है और मार्केटिंग मैनेजमेंट को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एटीट्यूड ऑफ इंडियन कंज्यूमर। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास कंज्यूमर के रिगार्डिंग, कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा वीक एटीट्यूड है। कंज्यूमर रिसर्चर को अपनी बात खुलकर नहीं कहता, अगर रिसर्चर उनसे पूछने जाता है तो कंज्यूमर अपने व्यूज़ उन्हें नहीं बताता, जिसकी वजह से मार्केटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इतने ज़्यादा कॉपरेट नहीं करते मार्केटिंग रिसर्चर के साथ। उन्हें लगता है कि मार्केटिंग रिसर्चर जो ये सर्वे कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर या फिर रिसर्चर के खुद के बेनिफिट के लिए है। तो ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इंडिया में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।